नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप IBTV देख रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। इनसे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को और जीतन राम मांझी को शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी है, ताकत दिखाने के क्या मायने हैं, ताकत दिखाने की नौबत क्यों आई है। दरअसल ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि नवंबर महीने में 28 नवंबर को लोजपा के स्थापना दिवस के मौके पर गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में चिराग पासवान रैली करने जा रहे हैं। रैली करने का मतलब जो सियासी मायने होता है वो यही होता है कि भीड़ जुटा करके अपनी सियासी ताकत का एहसास कराना होता है। मांझी का भी यही है, मांझी को भी ताकत दिखाने की नौबत आन पड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या मांझी और चिराग पासवान की ताकत से BJP या महागठबंधन में जो शामिल दल है वो अनभिज्ञ हैं क्या, उनको पता नहीं कि इनकी राजनीतिक हैसियत कितनी है, इसी पर चर्चा करेंगे। सर, यही सवाल रहेगा कि क्या महागठबंधन और BJP को ये लोग अपनी ताकत दिखाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि इनकी ताकत कितनी है। देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसकी बात हो रही है कि NDA फोल्ड में वो जाएंगे, NDA फोल्ड में उनके आने जाने की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने शर्त रखा है जो कि बहुत कठिन शर्त है, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, नंबर एक। उसी तरह से जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वह भी महागठबंधन में है, महागठबंधन के फोल्ड में हैं वो। बावजूद इसके वह कहीं ना कहीं उनको समय समय पर गाहे बगाहे उनको भी, मतलब उतनी पूछ नहीं है जितनी राजनीतिक वो डिजर्व करते हैं उनकी समझ से, राजनीतिक पूछ जो होनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो उससे वो कहीं ना कहीं वो पीड़ा में पीड़ा उनकी दिखाई, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात लगातार कर रहे हैं, वही है तो वो उनकी पीड़ा दिखाई पड़ती है। तो अब इसी को लेकर के नवंबर महीने में जीतन राम मांझी की पार्टी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली करने की घोषणा कर रखी है। उसी तरह से चिराग पासवान ने कहा है कि 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस पर ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में वह भी रैली करेंगे। अलग अलग रैली होगी, एक साथ नहीं होगी, अलग अलग रैली होगी, लेकिन वह लोकसभा चुनाव से पूर्व रैली करने का मकसद, मायने, अर्थ सब लोग समझते हैं कि क्या जरूरत है और क्या, लेकिन हमको लगता है कि अब देखिए चिराग पासवान NDA फोल्ड में नहीं अभी तक गए हैं ऑफिशियली, तो यहाँ वहाँ पर भी अब पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो वह शक्ति प्रदर्शन करेंगे। लगता है कि 28 के बाद ही तब फिर ऑफिशियली लगता है उनका, तब जिधर पाला में जाना होगा वो होगा। मतलब ये हम लोग मान सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि शायद इन लोगों की ये वर्ड भी सही रहेगा कि दाल शायद कहीं नहीं गल रही है या बात कहीं नहीं बन रही है या डील नहीं कहीं कहीं नहीं फाइनल हो पा रही है। यही वजह है कि इन लोगों को अपनी राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक सियासी ताकत दिखाने की जरूरत पड़ी है। और जब नवंबर का डेट फाइनल हो गया है तो आप ये भी कह सकते हैं कि पहले हम लोग जो चर्चा की थी जून महीने में शायद सब कुछ फाइनल हो जाएगा, लेकिन अब चूंकि अनाउंसमेंट इस बीच में डेवलपमेंट हुआ है तो अब ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि नवंबर महीने तक कुछ भी फाइनल नहीं होने जा रहा है, ऐसा इन लोगों को इंडिकेशन मिल गया है, शायद संकेत मिल गया है। संकेत बहुत राजनीति में बहुत मायने रखते हैं। यही हम कहना चाह रहे हैं, यही संकेत भी है, यही संकेत है, इसीलिए इन लोगों ने नवंबर महीने का माने चुना है कि नवंबर महीने में करेंगे। और देखिए उसके बाद फिर आचार संहिता और उसके बाद नवंबर में होगा, दिसंबर जनवरी, उसके बचा समय तो बचता ही नहीं है। अब ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह दलित और महादलित, यह दोनों का ही रैली होने जा रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। ये 14% वोट की बात है, 14-15%, हाँ 14-15% वोट की बात है। 14-15% वोट में बनाना और बिगाड़ना दोनों कुबत रखता है ये लोग, ये दोनों दल, तो 15, हाँ तो यह बात है। और इस बात को समझना पड़ेगा कि दलित और महादलित की अलग अलग रैली होगी यहाँ पर पटना के ऐतिहासिक गैदर में, वह जुटान होगा तो वह देखने लायक होगी। और निश्चित रूप से एक बात और समझने की बात है, बिहार में 6 लोकसभा की सुरक्षित सीट बिहार में लोकसभा की 6 है, 6 में से 3 पर कब्जा रामविलास पासवान के परिवार का कह ले तो वह कहीं गलत नहीं होगा। वह हम बता भी देना चाहेंगे कि वह 6 में से 3 कौन कौन सी सीट है जो रामविलास पासवान के परिवार के कब्जे में है, लोकसभा वाली सीट, तो वह हाजीपुर,
जहाँ से पशुपति कुमार पारस स्वयं वहाँ से हैं, उसी तरह से समस्तीपुर जहाँ से प्रिंस राज उनके भतीजे पारस के, रामविलास पासवान के भतीजे वहाँ से हैं, चिराग पासवान के भाई वहाँ से हैं, और खुद चिराग पासवान जमुई सुरक्षित सीट से। तो 6 लोकसभा सीट में से 3 जो है सो सुरक्षित सीट रामविलास पासवान के परिवार में है, और 3 जो है सो सीट जो है सो वह गोपालगंज, सासाराम और गया, वह अलग फोल्ड में है। तो यह बात समझने वाली है कि 6 सीट, और तो यह एक कहीं ना कहीं यह भी कवायद है कि 6 लोकसभा सीट ही दलित महादलित के बीच में माने आ जाए, कि 3 सीट इनके पास नहीं है। दलित महादलित के बीच में तो है ही, हाँ, इनकी पार्टी के बीच बिल्कुल, हाँ, इनकी पार्टी इन लोगों के पास आ जाए। जैसे गया से जीतन राम मांझी की का वो इलाका है, तो गया से वो हमेशा वो जीतते भी जाए, जीतते भी, तो ऐसे में वो चाहेंगे कि गया सुरक्षित सीट है, वह जो है सो मेरे पाले में चला है। तो यह सब है, यह सब बात चल रहा है। और उसी तरह से गोपालगंज के बारे में, गोपालगंज सुरक्षित सीट के बारे में भी चाहेंगे, उसी तरह से सासाराम सुरक्षित सीट है। तो यह सब भी कवायद है, और कहीं ना कहीं इस 6 कम से कम यह अन्य सीट तो है ही है, यह 6 सीट पर भी इन लोगों की नज़र है, यह सबसे बड़ी बात समझने वाली है। नहीं तो ये जो हम ये भी कह सकते हैं ना कि ये जो 15% वोट का जो खेला है, ये वोट अगर किसी एक के साथ मिल जाता है तो, या किसी या दोनों तरफ चला जाता है, बढ़ जाता है तो, देखिए यह अगर 14-15% दलित महादलित का वोट किसी भी गठबंधन में या किसी भी अलायंस में जाता तो ये बहुत बड़ा उछाला आपको दिखाई पड़ेगा चुनावी मैंने जो वोट के नजरिए से, बहुत बड़ा उछाल है ये 15% वोट में तो बनना और बनता और बिगड़ता बहुत, है बहुत मायने रखता है। तो इसलिए यह 15% वोट किधर जाएगा यह समझने वाली बात है, और इसी को सब लोग अपने अपने पाले में करने में लगा हुआ है कि यह 15% वोट मेरे गठबंधन के फोल्ड में जाए तो मेरे गठबंधन के फोल्ड में जाए। लेकिन यह कवायद अभी तक होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है कि किसके फोल्ड में, यह दोनों चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी दोनों एकमुश्त ना जाए तो कम से कम बराबरी पे तो मुकाबला जरूर रहे, ऐसा निश्चित रूप से चाहिए। लेकिन शायद विडम्बना कहिए या फिर जो भी कहिए, शर्त कहिए या जो भी सारी चीज़ें कहिए, अभी तक इन लोगों की बात नहीं बन पाई है, और यही वजह है कि इन लोगों को सियासी ताकत दिखाने की जरूरत पड़ी है, आन पड़ी है, और नवंबर में सियासी ताकत दिखाएंगे। लेकिन एक बात और आशुतोष जी, ये समझने वाली बात है कि देखिए 3 से अधिक दशक से रामविलास पासवान एक दलित चेहरा, एक दलित महादलित जो भी कह लीजिए, वह एक चेहरा बिहार की राजनीति में, क्या देश की राजनीति में जाने जाते थे, और वह उनका हाजीपुर से लगातार वह जीतते रहे हैं। एक ही बार 2009 में वह जदयू के पूर्व मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे रामसुंदर दास, उनसे उनकी 2009 में वो हारे थे, यानी तो बराबर वो जीतते रहे हैं। तो यह भी एक बड़ा है, तो यह एक मैसेज भी ये लोग देना चाह रहा है, हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, और हम थोड़ा सा अभी आपने चर्चा की तो मुझे याद भी आ गया कि मुकेश सहनी की सही मायने में पूछ भी गांधी मैदान में निषाद समाज की होने वाली रैली के बाद ही बढ़ी है। बिल्कुल, सियासी ताकत उन्होंने दिखाई है, तब जाकर वो एक तरीके से इस्टेब्लिश हो गए हैं निषाद समाज के, सहनी समाज के एक नेता के रूप सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मल्ला के रूप में उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश किया है। तो ये सियासी ताकत दिखाना या रैली, रवायत पुरानी है, ऐसा इतिहास पुराना है कि सब दल रैली करते हैं, ताकत दिखाते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी रहता है। अगर जो चाह रहे हैं वैसी ताकत नहीं दिखी तो ये एक्सपोज भी हो जाएंगे एक्सपोजर के समय में। हाँ, अगर एक्सपोजर मिला वहाँ से तब तो ठीक है, तब तो वो बार्गेनिंग करने में और ज़्यादा ये करेंगे, चलो भाई इतनी ताकत है। लेकिन अगर चूक हुई, भीड़ कम जुटी, तो फिर बार्गेनिंग करने में इन लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, और ऐसी सूरत में क्या होता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए इसी लाइन के साथ हम लोग इस चर्चा को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।